ऐसा तो नहीं कि हार बर्दाश्त नहीं हुई थी। और मलंग आगे बढ़ता हुआ सवार गोलू, और मलंग ने ये रेस जीत ली है, ये रेस मलंग ने जीत ली है, मलंग ने जीत लिया है जैसलमेर का दंगल। आप एक रेस हारे उसके बाद अलसकब आया। नौसारी की रेस का नजारा आप देख रहे हैं और ये रेस अलसकब ने एक तरफा जीत ली है, शानदार नजारा। मलंग इसके क्या सीन हुआ इसको यार, एक ही काफी था तो फिर कैसे दूसरा कैसे। मलंग इतिहास लिखने वाला है और मलंग और बस जीत कुछ ही दूर रह गई है और ये मलंग पहुंचा और ये मलंग ने रेस जीत ली है, मलंग जीत चुका है बेकरिया का रंग। घोड़ा और जबान चलते बहुत है, दोनों को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो घोड़ा सवार को और जबान इंसान को गिरा देती है। आपकी किस्मत कुछ अलग ही रही भाई, घोड़ा लाइन में सही बता रहा हूँ, चैंपियन घोड़े आपको मिल गए ये बहुत बड़ी बात है। पहले नंबर पर अलसकब और ये गोलू और आजम ने पहले नंबर पर गोलू रहे। तो इस खिताब को आपको कायम रखने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत रहेगी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रेस में एक कांटे की और मुकाबला हो रहा है दोनों घोड़ों में और मलंग आगे बढ़ रहा है और मलंग लाइन पर पहुंचा और ये मलंग ने रेस जीत ली है, रच दिया है इतिहास। मलंग कौन सी रेस लड़ेगा, यहाँ की महाराष्ट्र की लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। और मलंग ने आगे निकलता हुआ, मलंग आगे निकल, मलंग रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ और ये रेस जीत लिया सारंग घोड़ा की। ये करोड़ों रुपए आपने खर्च किए इन दो घोड़ों के लिए, तो ये बात सच है क्या है थोड़ा सा इसका बताइए लोगों के, बड़े लोग पूछते हैं। अरे कभी चलते देखा है मलंग को अभी तक लाइव? नहीं देखा। महाराष्ट्र में कुछ लोगों से जैसे जो एक फीडबैक आ, तो वो अब तीसरे चौथे की तैयारी कर रहे हैं। चलते चलते बता दो यार कितने के लाए। हेलो दोस्तों, इंडियन चालवास पर आपका स्वागत है, मैं हूँ आतिफ अनवर, मैं आया हुआ हूँ परभनी महाराष्ट्र। देखिए परभनी की बात आती है तो एक रेस जो पिछले साल हुई थी उसकी भी बात आती है, क्योंकि एक शानदार रेस कराई थी, वहीं हम आ गए, घोड़ों की फुरफुराहट तो सुन ही रहे हैं, तो वहीं आ गए हम। और कह सकते इस बार आने का कुछ मकसद अलग था, क्योंकि इस बार चालबाज घोड़ों की दुनिया में एक ऐसी चीज़ हुई है कि जो कह सकते हैं कि इतिहास में नहीं हुआ, वो इस साल हुआ। आप सोच रहे होंगे क्या, वही जो मैं कहना चाह रहा हूँ। AR स्टड फार्म में हम मौजूद हैं इस टाइम और बात बहुत है तो करेंगे, और ओनर हमारे साथ हैं, अब्दुल रज्जाक भाई हैं और शुएब भाई हैं, तो दोनों लोगों से बातचीत होगी। बातचीत इसलिए भी होगी क्योंकि जो 2-3 साल पहले जिनको चालबाजी में थोड़ा थोड़ा मुकाम हासिल था, वो 1-2 साल में ऐसे बदले कि दुनिया में ही नाम हो गया एक बार में। तो क्या हालचाल हैं आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे? बस सब खैरियत है भाई, जैसे वो नहीं कहते जज्बात बदल दिए, दुनिया बदल दी, सब बदल दिया, ऐसा ही लग रहा है कि सब बदल गया। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे, इधर उधर की बातें छोड़ेंगे, महाराष्ट्र में कोई रेस लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? लड़ेंगे ना भाई, क्यों नहीं लड़ेंगे, लगता तो नहीं है। लड़ेंगे भाई, बिल्कुल लड़ेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो गौस खान जी के पास ऑल इंडिया चैम्पियन घोड़ा मलंग हुआ करता था, उसके नए ओनर हैं, तो वहीं जो एक चैम्पियन घोड़ा था गौस खान जी के ही पास अलसकब, वो मेरे पीछे खड़ा है, उसके भी अब ओनर हैं। भाई साहब ऑल इंडिया चैम्पियन घोड़े आपने ले लिए, आ गए आपके पास, तो अब महाराष्ट्र के और जो शौकीन है क्या करें भाई साहब, बताओ ना इसका क्या बताएं भाई। किस्मत कह सकते हैं इसको, तो थोड़ा सा एक सफर बताइए कि आपको पहले अलसकब कैसे मिल गया और आपके मन में क्या हुआ, आप घोड़ा आपने क्यों लिया पहले ये बताइए। घोड़ा तो लिया है भाई रेस लड़ने के लिए, ठीक है, और घोड़ा मिलने की वजह गोलू भाई और गौस भाई की मोहब्बत जी, वरना ऐसा दो घोड़े तो कोई देता नहीं है भाई। ऐसा तो नहीं है कि गुस्से में लिया गया वही घोड़ा? वैसा कुछ नहीं है भाई, शौक था। हाँ, बाकी फिर जो समझदार है वो समझ जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि हार बर्दाश्त नहीं हुई थी? नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि आप गेम है भाई, इसमें हार जीत चलते रहती है। आप भी चैंपियन
काफ़ी साल से यहाँ रह रहे थे, लेकिन आप एक रेस हारे उसके बाद अलसकब आया, तो ऐसा तो नहीं कि हार बर्दाश्त नहीं हुई कि रातों की नींद के अब नहीं अब घोड़ा लाना है, क्योंकि टाइम बनते आया, बस उस टाइम का फायदा मिल गया, उस जैसे टाइम बना और उसके बाद घोड़ा पहुंचा। देखिए घोड़ों की दुनिया में लोगों को सालों साल लग जाते हैं, ठीक है, पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं लोग चालबाज घोड़ों में या कोई भी मारवाड़ी घोड़ा हो, लेकिन इतनी जल्दी किसी का नाम नहीं होता है। जैसे बात अलसकब की करें, आप लेके आए, ये भी एक चैम्पियन घोड़ा था, आपके यहाँ आके भी ये कौन कौन सी रेसें जीता है ये आप दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो हमने इसको मालेगांव लड़ाए थे, वहाँ घोड़ा फर्स्ट था, उसके बाद नवसारी भेजे थे, वहाँ पे भी घोड़ा फर्स्ट था, और एक इंदापुर रेस होती है पुणे के पास, वहाँ पे भी घोड़ा फर्स्ट। तो आपके यहाँ भी आगे तीन रेस हैं ये जी अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया है, तो कह सकते हैं कि चैंपियन जो इसकी पीछे से जो चैंपियन था वो आपने यहाँ पर, इसका कह सकते हैं कि सिलसिला जारी है जी। अलसकब की बात हो गई, मलंग जिसको लोग देखने के लिए, भाई मैंने खुद देखा है इस घोड़े को, बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, कि एक कह सकते हैं कि ब्रांड है चालबाज में, इसके क्या सीन हुआ इसको यार, एक ही काफ़ी था तो फिर कैसे दूसरा कैसे? दोनों भाई की मोहब्बत समझ लो, गौस भाई मेरे बड़े भाई है जी, ये घोड़ा इनके पास का है, यहाँ के एक ही बात है, बस वैसे ही दे दिया उन्होंने। फिर ये भी उड़ने में आया था कि चालबाज जो घोड़ों की दुनिया है जी, उसमें आपने एक ऐसा धमाका करा है कि करोड़ों रुपए खर्च करे हैं घोड़ों पे। देखिए सीधी सीधी बात है कि करोड़ों रुपए आपने खर्च किए हैं इन दो घोड़ों के लिए, तो ये बात सच है क्या है, थोड़ा सा इसका बताइए लोगों के, बड़े लोग पूछते हैं उसके बारे में, क्या बताएं भाई हम। घोड़ा किस्मत से मिलता है भाई, पैसों से। ये बात तो है भाई साहब, लेकिन अब वो भी चैंपियन घोड़े आपको मिल गए, ये बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये लगातार 6 रेस मलंग जीता हुआ है जी। आप चैंपियन घोड़े लेके आ गए महाराष्ट्र में, कुछ लोगों से जैसे जो एक फीडबैक आता है, तो वो अब तीसरे चौथे की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जब अच्छे घोड़े कहीं पर पहुंचेंगे तो कंपटीशन और बढ़ना चाहिए। मैं अभी आपको भी कहता हूं कि अच्छे घोड़े लेके आइए, जैसे इन्होंने ढूंढे हैं, तो लोग कहते हैं कि मिलते नहीं, भाई सब मिलते हैं, घोड़े हैं, बनाने पड़ते हैं। सही बात। आपके ऊपर अब कितना प्रेशर है कि भाई हम एक दोनों घोड़े इतने शानदार, अब ये ना हो कि भाई वहाँ पर जाके 19 हो गया, ये घटना नहीं चाहिए, तो आपके ऊपर कैसा प्रेशर? प्रेशर की तो कोई बात नहीं है भाई, मेहनत इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे, बाकी जीत देना अल्लाह के हाथ की बात है इंशाल्लाह, पर मेहनत में कभी कमी नहीं होगी, मेहनत में कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। मलंग का तो यार ऐसा क्रेज है कि बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या, जब पहली बार आपकी बात हुई तो कैसा फील, थोड़ा सा बताइए क्या था? इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है भाई, सरप्राइज थे भाई हम लोग। हाँ सरप्राइज थे, एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ हो गया आप सर, लेकिन वही है कि जब घोड़ा बना हुआ घोड़ा कोई किसी को नहीं, देता नहीं, नहीं।, नहीं। मैं वही तो बोला भाई। हाँ। आपको मोहब्बत की बात है, लेकिन भाई ये तो बता दो कितने के लिए। अरे भाई वो मत पूछो, ले लिया है बस, मोहब्बत में मिल गया है। हाँ वही समझो, वही समझो, हर आदमी का यही सवाल था कि भाई घोड़े कितने के बिके। अब किस रेसों की तैयारी है, जैसे अगर बात करें तो कौन कौन सी रेसें आप लड़ेंगे? देखते हैं इंशाल्लाह, जो जो अच्छे रेस होंगे, तैयारी तो पूरे रेसेस की है, जैसे कि कच्छ की भी और राजस्थान में भी जो अच्छी जैसलमेर की एक रेस होती है वो भी, और इंशाल्लाह नवसारी भी जाएंगे। ये घोड़े तो चलो आपने खरीद लिए, चैम्पियन घोड़े लिए, थोड़ा सा एक सवाल है, हो सकता है पिछली बार मैंने शायद नहीं किया था आपसे, मुझे ऐसा सुनने में आया था कि लोगों ने चूना भी बहुत लगाया आपको घोड़ेबाजी में, अब क्या बताएं भाई, हुआ है वो भी, हुआ है ना, हुआ है बिल्कुल हुआ है, तो नहीं करना चाहिए। अगर जैसे मुझे पता चला था कि आपने लिए थे घोड़े और उसमें आपके साथ हुआ था गड़बड़, लेकिन मैं भी कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, आदमी को धोखा भरोसे में ही मिलता है भाई। क्या बात है यार, ये बहुत बढ़िया बात कही, धोखा भरोसे में ही मिलता है। तो अब आप सारी रेसों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर अभी ये घोड़े कितने दिन से रेडी नहीं है, लोग ये भी कहेंगे ना चला के दिखाओ, तो चला के कैसे दिखाएं, अब ये बताइए। तो बंदे भाई, बारिश चालू है महाराष्ट्र में बहुत, बारिश तो यार रोज ही हो रही है, रोज बारिश हो रही है, तो फील्ड आपकी तैयार तो है, मैंने खुद देखी कीचड़ है उसमें, बहुत कीचड़ है भाई। तो कैसे सवार वही रहेंगे, कुछ बदलेंगे, क्या करेंगे? ऑब्वियस बात है भाई, गोलू भाई रहेंगे, तो दो घोड़ों पे कैसे बैठेंगे, कर लेंगे कुछ। अब ये बताइए कि मलंग कौन सी रेस लड़ेगा, यहाँ की महाराष्ट्र की लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? इंशाल्लाह और अलसकब भी लड़ेगा इंशाल्लाह, एक घोड़ा आपका और है वो भी लड़ेगा, उसके बाद एक और है, उसके बाद एक और है, जितने तो भाई इंशाल्लाह पूरे लड़ेंगे, सारे घोड़े लड़ेंगे इंशाल्लाह।
तो महाराष्ट्र वाले जो घोड़े बेटर परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह वो सब लड़े। तो भाई महाराष्ट्र के जो शौकीन है, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग भी घोड़े ढूंढें, क्योंकि कॉम्पिटिशन होगा जब भी मज़ा आएगा। भाई देखिए मैं सीधा बताता हूँ आपको, मैंने सारी रेस कवर करता हूँ जी। घोड़ा किस्मत से तो मिलता है, किस्मत से मिलता है, लेकिन आपकी किस्मत कुछ अलग ही रही भाई। घोड़ा लाइन में सही बता रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दो दो घोड़े कोई नहीं भाई, मिलते ही नहीं है, नहीं, नहीं। और वो भी चैंपियन घोड़े, क्योंकि देखिए जैसलमेर में मैंने इसको देखा, भुज में देखा, दो बार जैसलमेर का चैंपियन, भुज का चैंपियन, सांचौर चैंपियन, सारनखेड़ा, सूरत, जहाँ भी जा रहा है चैंपियन, अभी हरियाणा में रेस लड़ा वहाँ चैंपियन, अलसा कप भी चैंपियन। तो इस खिताब को आपको कायम रखने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन घोड़े में बदलाव भी बहुत है। तब घोड़ा, दोनों घोड़े थे जब मैंने देखे थे वहाँ भी, ठीक है आदमी ख्याल रखता है, गौस भाई के ठीक थे, लेकिन और मुझे बेटर दिखे नेचर की भी। जैसे मलंग की बहुत अफवाहें उड़ती थी कि बहुत तेज़ है नेचर में, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लगा। इसमें कौन सी जड़ी बूटी आपने खिला दी? कुछ नहीं खिलाया भाई। और लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने घोड़े को मारा है इसलिए घोड़ा टूटा है, तो यकीन मानिए जब से घोड़ा आया है उसको किसी ने मारा नहीं, मारा नहीं, ना हाथ से, ना लकड़ी से, या किसी और चीज से। भाई कलर ही बदल गया घोड़े का। तो फिर मैं यही कहूंगा कि यार भाई क्यों गुस्से में लाई थी क्या? नहीं यार भाई बता दो भाई नहीं, नहीं। क्योंकि बहुत लोग सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, और यही है कि लोग, मैं तो ये कहता हूँ भाई शौक बढ़े जी। और महाराष्ट्र का भी नाम जब देखो, पहले यूपी में ये नाम कर रहे थे, अब वो चीज़ एक हो जाएगी कि भाई अब वो थे, कर रहे थे, वो जो जीता था जी। अब यहाँ पर जो होगी नई तरीके से नई शुरुआत होगी। आपकी रेस की भी थोड़ी सी मुझे जानकारी दी है कि जो आप एक रेस कराने जा रहे हैं, मैं फिर वही कहूँगा कि अब क्या नया है इस रेस में, क्या कराने जा रहे हैं? अभी कुछ प्लानिंग चल रही है भाई, और रेस इंशाल्लाह ज़रूर होगी, बट अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन है तो उसकी डेट डिक्लेयर नहीं हुई। होगी भाई साहब? नहीं, रेस 100% होगी। ऐसा तो नहीं इलेक्शन की वजह टल जाए फिर आगे चली जाए फिर अगली साल हो? थोड़ा आगे पीछे होगी पर होगी जरूर, होगी। बात करते करते बारिश भी आ गई बताइए, है तो डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है। वैसे नवंबर में आपका 17 या 18 नवंबर के आसपास होती है ना? हाँ, तो क्या नया होगा अभी कुछ सोचा है क्या? अभी प्लानिंग चालू है भाई। अच्छा, करेंगे कुछ इंशाल्लाह। आपके घोड़े मैदान पर उतरेंगे नहीं उतरेंगे ये बता दीजिए? के लिए उतरेंगे, लड़ने के लिए नहीं। लड़ने के लिए नहीं उतरेंगे? बहुत स्पेसिफिक राउंड में एक भी हमारा घोड़ा नहीं आएगा। हाँ, सेमीफाइनल और फाइनल के बीच में गैप होता है। हाँ, शो के लिए हमारे घोड़े शो के लिए उतरेंगे। तो जैसे मैं फिर से इन पे आ रहा हूँ, जब घर वालों का क्या रिएक्शन था? खुश थे भाई सब, बहुत ज्यादा खुश। और जैसे जो सब दोस्त यार हैं मंडरी, ये वो तो आप देख ही रहे हो भाई कितने खुश हैं। बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। वही है कि घोड़ा, जब चैंपियन घोड़ा लेके आए आप, और उसके लिए ये है कि एक ऐसा चैंपियन जो बैक टू बैक जीत रहा है, तो खुशी की तो बात होती है। तो आपकी जो पहली, जो सबसे मुझे लगता है महाराष्ट्र की, वो सारनखेड़ा की रेस रहेगी, उसमें लेके जाएंगे आप घोड़े इंशाल्लाह। तो वहाँ पर, लेकिन जैसे मलंग आप यहाँ भी लड़ाएंगे राउंड की रेस में, तो शायद यहाँ नहीं लड़ाएं मलंग के, लड़ाएंगे राउंड में? अभी उस बारे में सोचे नहीं भाई कुछ। बता नहीं रहा, सरप्राइज है। नहीं भाई। तो अलसका, मलंग, और कह सकते हैं कि और भी इनके घोड़े सभी मैदान पर उतरेंगे। व्यूवर्स आप देखते ही हो कि घोड़ों की दुनिया एक अलग ही है। उस दुनिया में ये दो भाई कमाल कर रहे हैं, चाहे रेस को लेकर चाहे घोड़ों को लेकर, क्योंकि 2 साल पहले जो एक थोड़ा सा नॉर्मल शौक था वो प्रोफेशनली हो गया है। और ऐसा हुआ है कि अब लोग बहुत तारीफ भी करते हैं आपकी, जो घोड़ा पालक है। आपने घोड़ा मलंग लिया, मलंग को लोग गाँवों गाँवों में जानते हैं। सही है। वो जब रेस मैदान पे जाता है तो अलग ही एक फ़ैन फॉलोइंग होती है। तो रेस में खुद जाएंगे नहीं जाएंगे देखने? इंशाल्लाह देखते हैं। अरे कभी चलते देखा है मलंग को अभी तक लाइव? लाइव नहीं देखा। नहीं देखा, छोड़े थे सिर्फ, उसके बाद घोड़ा खुला भी नहीं है जब नया नया आया। हाँ हाँ, उसके बाद एक बार बस है, बस एक बार। रेस में तो वैसे देखा ही नहीं होगा, उस पर ही देखा होगा। बताओ यार, बिना ही देखे है इतना है। तो अब ये है कि आप अपनी रेस में अब इस बार ये कुछ और फील्ड बढ़ेगी, कुछ ऐसा कुछ है, बड़ी करेंगे कुछ करेंगे क्या? लास्ट टाइम भी बहुत थी भाई, 300 मीटर जाना और 300 मीटर आना, 600 मीटर का। जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि हम रेस करा रहे हैं, कि क्या आप बुलाने के लिए इनवाइट अभी से ही कर दीजिए उनको? इंशाल्लाह जैसा भी इलेक्शंस का एक बार सॉर्ट आउट होता है, हम सबको इनवाइट करते हैं कि परभनी की रेस देखने आइए, पार्टिसिपेट करिए। जिनके पास घोड़े हैं चलने वाले, रिवाल चाल चलने वाले, वो सब लोग आइए पार्टिसिपेट करिए,
और देखिए हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, और हमको सपोर्ट करिए सब चीज़ों में इंशाल्लाह। भैया सपोर्ट करिए और आइए, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ बड़ा मज़ा आता है और अच्छी रेस है जी। और यह है कि डिसीजन को लेके सब चीज़ें होती हैं, और डिसीजन भी यहाँ पर बढ़िया आई थी जी। तो महाराष्ट्र के लिए यही है कि एक खुशखबरी है कि आप रेस करा रहे हैं, ठीक है। 100% तो जैसे रज्जाक भाई से मेरी बात हो रही थी, कुछ टॉपिक चल रहा था, तो आपने कुछ मुझे सुनाया था, क्या कह रहे थे कुछ सुना दो भाई। घोड़ा और जबान चलते बहुत है, दोनों को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो घोड़ा सवार को और जबान इंसान को गिरा देती है। यार बहुत बढ़िया यार, सही सही बात है। जबान और जबान का अगर स्वाद खराब हो जाए तो हेल्थ भी खराब हो जाएगी, खाना ही नहीं खाया जाएगा ये भी पेट भी खराब हो जाएगा। तो वही है, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो इस लाइन में थोड़ी सी भसूड़ी फैलाते हैं, हर जगह होते हैं। और मैं तो भाई खुला बोलता हूँ, अपना तो भाई यही है कि घोड़ों से प्यार, बाकी सबसे व्यवहार। और अगर जिसका जो भाई देखो, घोड़ा चाहे गांव वाले का हो, छोटे से, चाहे किसी ब्रीडर का हो, चाहे बड़े फार्म वाले का हो, घोड़ा घोड़ा ही है, सबके लिए बेहतर होता है। लेकिन दूसरे के घोड़ों को बदनाम नहीं करना चाहिए, नहीं, नहीं, कहने नहीं। का मतलब मेरा ये है, क्योंकि अभी आप अभी यहाँ पर हो, आप जब आप रेस में जाओगे तो बड़ी बड़ी रेसों में माइंड गेम बहुत खेले जाते हैं। तो मैं उन माइंड गेम खेलने वालों से कहता हूँ कि अपने घोड़े पहले आप बना लो, बाद में दिमाग लगाना। ये मैं जिनको कह रहा हूँ आप सुन लेना, कभी कभी मैं भी मूड में आ गया, आप भी आए। तो चलिए दोनों भाइयों की जोड़ी को एक बार फिर से बधाई कि दोनों घोड़े लायो, और रेस तो आपकी अच्छी थी, बहुत आपको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं जो आप कराएंगे अगला नया। बहुत शुक्रिया। तो भैया चलते चलते बता दो यार कितने के लायो भाई तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उम्मीद ये करते हैं कि बस आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घोड़े भी ऐसे स्वस्थ मस्त रहें, और जिस लिए लाए उसमें कामयाबी मिले। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें यूट्यूब पर, और फेसबुक पर है तो फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दें, पैसे तो लगते नहीं है, तो जाके कर दो मेरे भैया, जाओ मंडरी जाओ। चलिए धन्यवाद।